हाय, आज हम करने वाले एक और वीडियो डिस्कशन, और इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगे मोहम्मद अरीब, जिन्होंने इस साल की नीट यूजी एग्जामिनेशन में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर किया है 685 आउट ऑफ 720। तो जल्दी से आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गरीब आप ही के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आप की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे हुई, आपकी फैमिली में कौन कौन था। अनंतनाग कश्मीर में रहता हूँ, मेरी स्कूलिंग जो है वो ओएसिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुलचनगर से हुई है, बाकी नीट की कोचिंग मैंने आकाश इंस्टीट्यूट राजबाग से की है। मेरी फैमिली में चार मेंबर्स हैं, माँ बाप और मेरी एक छोटी बहन है। नीट रिजल्ट के बाद आपका रिएक्शन कैसा था, आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन वॉज क्वाइट ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिएक्शन था, सब खुश थे, रिश्तेदार सुबह सवेरे आ गए सारे, तो मतलब बहुत ही मतलब खुशी का रिएक्शन था हर एक का। जब आपने अपना स्कोर देखा और देखा कि स्टेट रैंक 2 आई है, तो आपने डेफिनेटली आप बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन क्या आपने पेपर से पहले अपनी प्रिपरेशन के टाइम एक्सपेक्ट किया था कि ये स्कोर आएगा आपका? असल में जो हमारा ये टेस्ट हो रहे थे, मॉक टेस्ट जो नीट से पहले हो रहे थे, तो उनमें मेरा स्कोर 690 के अराउंड ही था लास्ट वाले मॉक टेस्ट में, तो हाँ मुझे एक्सपेक्ट था कि स्टेट रैंक होगी टॉप 5। जब आपको अपना कॉलेज प्रेफर करना होगा, तो कौन से कॉलेजेस की आपकी प्रेफरेंस होगी? मुझे अभी ज्यादा कॉलेज की नॉलेज वगैरह नहीं है, काउंसलिंग ज्वाइन करेंगे उसके बाद अच्छी तरह डिसाइड होगा कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस में रहेगा। ऐसे तो घर वालों वगैरह सबका कहना है जीएमसी श्रीनगर। क्या आपको पहले से ही डॉक्टर बनना था, और क्या आप पहले से ब्राइट स्टूडेंट थे हमेशा से? पहले से तो कोई एक ये जो ड्रीम है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, चेंज होते रहते हैं। हाँ, टेंथ के बाद से मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, वरना मुझे मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना था तो मैंने पीसीबी चूज किया। तो कौन से लोग थे जिनकी गाइडेंस आपको सबसे ज्यादा यूज में आई इस अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इतने मार्क्स आए। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरी खासकर मदर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर वक्त, मतलब जब भी मैं पढ़ रहा होता था तो वो मुझ पर एक मतलब नजर वगैरह रखती थी कि मैं पढ़ ही रहा हूँ कि कुछ और कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं बैठ पाता था एक ही जगह पे, तो उसमें मेरी माँ ने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे मोटिवेट करती थी, हाँ बस थोड़ा ही टाइम है पढ़ लो, तो ऐसी चीज। बाकी मेरी सिस्टर भी मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रही थी हर चीज में, जैसे भी वो कर सकती थी। उसके बाद अगर टीचर्स की बात करें, उनमें फिजिक्स में रोहिन सर ने सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया है, गाइडेंस दी है, उनकी वजह से जो है मतलब मैंने फिजिक्स सबसे कम बार पढ़ी है, और उसमें मुझे मतलब मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी क्वेश्चन में, अगर मेरी प्रैक्टिस भी कम क्यों ना हो, तो वो सारा क्रेडिट जो है वो रोहिन सर को ही जाता है। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ज्यादा रट्टा नहीं चलता है, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर होने चाहिए, तो उसमें राजू सर और सत्यम सर ने बहुत हेल्प किया। अब हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि आपने कब से अपनी नीट की जर्नी डेडिकेटेडली शुरू की, और फिर उसके बाद से लेकर नीट एग्जाम तक कैसा रहा आपका हर एक प्रिपरेशन का तरीका, और क्या सब चीजें हुई आपके साथ प्रिपरेशन? नीट की जर्नी मैंने 11th से स्टार्ट की थी, लेकिन 10th में मैंने आकाश ज्वाइन किया था, और 10th में मैंने एक काम किया कि मैंने अपना ये जो मेंटालिटी वो चेंज की थी 9th तक, क्योंकि सब लोग बोर्ड्स की तरफ लगे होते हैं, वही डिस्क्रिप्टिव चीजों में ही फोकस करते, थ्योरी याद करना, वो सब मैंने वहीं पे छोड़ा था, और मैं यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट वगैरह इन सब चीजों पे मैंने फोकस करना स्टार्ट किया था। लेकिन नीट के लिए पढ़ना एक्चुअली मैंने 11th से ही स्टार्ट किया था। मैं मेरी प्रिपरेशन जो पहले टाइम्स में है मार्च तक, जब तक कोरोना नहीं हुआ था तब तक अच्छी तरह जा रहा था, फिर कोविड की वजह से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस हो गई, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ कूप अप करना था, तो उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने बाद में एडजस्ट कर लिया और फिर वापस से नॉर्मली सारी पढ़ाई वगैरह चलने लगी। इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि मुझे स्टार्टिंग में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, खासकर बायोलॉजी में। बायोलॉजी में एनसीईआरटी बिगनिंग से अगर आप स्टार्ट करें तो आप को मतलब 360 तो गारंटी है नीट में, क्योंकि अगर आपने 11th से स्टार्ट किया तो आपके बहुत सारे रिवीजन हो सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ना अपने कॉम्पैक्ट कोर्स नीट में स्टार्ट किया था 6-7 महीने पहले, तब भी मेरे 10-20 के बीच में रिवीजन हो गए थे। तो अगर कोई 11th से स्टार्ट करेगा तो उसके तो 360 गारंटीड है अच्छी तरह, अगर एनसीईआरटी रिवाइज वगैरह करेगा। उसके बाद 12th में फिर से सब अच्छी तरह स्मूथली गया, फिर अप्रैल में फिर से लॉकडाउन हुआ, लेकिन अब एक बार हम मतलब एडजस्ट हो गए थे ऑनलाइन के साथ, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और 12th भी ठीक से गया। फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम थे, फिर बोर्ड एग्जाम के बाद मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, क्योंकि अब मुझे पता था आप कॉम्पैक्ट कोर्स है, फिर उसमें बहुत इंटेंसिव स्टडी करनी है, तो इसलिए मैंने ब्रेक ली थी थोड़ी सी जब तक हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी नीट की। और उसके बाद से मैंने अपने स्टडी आवर्स भी बढ़ाए, अपना कंसिस्टेंसी भी बढ़ाया,
और उसके अलावा हार्ड वर्क भी ज्यादा किया, तो एंड एंड का टाइम ही असल में डिसाइड करता है आपका स्कोर क्या रहने वाला है। जैसे अब आपने सब्जेक्ट की बात कर ही दी है, तो ये अच्छा रहेगा कि हम एस्पिरेंट्स के लिए प्रॉपरली हर सब्जेक्ट को डिवाइड करके बताएं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या एम था आपका, किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में जैसे पूरे बोला हमें रोहिन सर पढ़ाते थे, तो वो हमें एडवांस जी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि एक चीज रहती थी कि मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, मैं क्लास में ऑलमोस्ट 99% सारा मुझे क्लास में हो जाता था, जिसकी वजह से जब भी मैंने क्वेश्चन वगैरह ट्राई किए तो ऐसा हार्डली कभी हुआ कि मुझे कोई क्वेश्चन ना आता हो, इसलिए मुझे प्रैक्टिस की बहुत कम जरूरत पड़ी है। वैसे प्रैक्टिस के लिए अगर कोई मतलब एडवाइस बुक करनी हो तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी प्रैक्टिस नहीं की फिर कोई और बुक करने की मतलब ही नहीं बनता है, तो एनसीईआरटी बेसिक आपको जरूरी प्रैक्टिस करनी हो, और एनसीईआरटी के बाद अगर देखा जाए उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है फिर आपको क्वेश्चन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो सारे क्वेश्चन खुद आ जाते हैं। एच सी वर्मा जो है वो एक बुक है जिसमें काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एंड के मतलब स्टार्टिंग में उसके क्वेश्चन थोड़े नॉर्मली होते हैं कैलकुलेशन टाइप, एंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो अगर वो ट्राई करेंगे तो उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको फिर ज्यादा क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसको कितने क्वेश्चन करने चाहिए। मैं अपनी बात करूं, मैं टेस्ट देता था तो मुझे लगता था मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसलिए मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसका मतलब है आपको ज्यादा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है, जब तक कि आपको ऐसा लगे कि एग्जाम में मुझे सब क्वेश्चन आ रहे तब तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री इज एग्जैक्टली लाइक फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अच्छा क्वेश्चन बैंक करना है, और एनसीईआरटी जो है बेसिस बननी चाहिए, पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करो फिर जो मर्जी है वो आप कर सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी ऐसा ही है कि अगर आपको लग रहा है आप मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करना छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है कुछ चैप्टर्स का एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, जैसे 11th में मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट्स ऑफ मैटर, वो एनसीईआरटी से जरूरी पढ़ना है, उससे अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए अच्छा स्कोर चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस है, वो टीचर वो यूजुअली स्किप करते हैं वो पोर्शन। और 12th फिजिकल केमिस्ट्री में जो पांचवी चैप्टर है, सॉलिड्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, सोल्यूशन हो, या केमिकल काइनेटिक्स और ये सरफेस केमिस्ट्री, ये जो पांचवी चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के 12th पोर्शन में, ये सब एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है थॉरली अच्छी तरह। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सारा एनसीईआरटी से ही आता है जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी, बट अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की तरह उसको आप एड्रेस करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस है और ऐसे याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो अगर आप पहले रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी वगैरह अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर ले तो उसके बाद अगर आप फिर ट्राई करेंगे एनसीईआरटी रीड करना तो आपको बहुत आसान लगेगा और चीजें बहुत आसानी से जाएंगी, तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि ऑर्गेनिक में सबसे पहले कॉन्सेप्ट वगैरह अपने सब क्लियर करें, रिएक्शन मैकेनिज्म वो सब देख ले, उसके बाद एनसीईआरटी थॉरली पढ़े सारी, क्योंकि इस साल भी एनसीईआरटी से स्टेटमेंट सीधे लाइन आई है चैप्टर्स की फ्रॉम 12th एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो अच्छी तरह पढ़े उसके बाद उसी के क्वेश्चन ट्राई करें, उसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है मुझे अभी भी क्वेश्चन नहीं आ रहे फिर आप कोई और ग्रुप प्रेफर कर सकते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे आपका कोचिंग का मॉड्यूल है या जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो उसका मॉड्यूल आप कर सकते हैं या डीपीपी वगैरह। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें सीधे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद करनी है, एनसीईआरटी आपको सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करनी है, उधर ही से क्वेश्चन आते हैं, चाहे छोटे से छोटा डेटा हो, मतलब आपको लगे ये लाइन अनइम्पॉर्टेंट है आपको ये नहीं छोड़नी है, ट्रिवियल से ट्रिवियल चीज आपको अच्छी तरह याद करनी है इनऑर्गेनिक 11th 12th सारी एनसीईआरटी से, तो उसको उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और जितने ज्यादा आप रिविजन करेंगे उतने ज्यादा आपके स्कोर के चांसेस हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, मैंने इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको थोड़ा चैप्टर उसको कनेक्ट करना आ जाए फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो फिर से एनसीईआरटी बेसिक है, उसके बाद आप अपना मॉड्यूल ट्राई कर सकते हैं जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं उसका मॉडल। उसके बाद बायोलॉजी की बात करें, एग्जैक्टली लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजी के दो वॉल्यूम्स है, उसमें आपको 11th और 12th का वो सीधे आपको एनसीईआरटी लर्न करनी है, लेकिन लर्न करने से पहले मैं एक एडवाइस करूंगा कि इस बार का जो पेपर था वो काफी कंट्रोवर्शियल था, अगर आपने एनसीईआरटी सीधे याद की होगी तो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप एनसीईआरटी को मतलब पहले समझे अच्छी तरह लाइन बाय लाइन उसके बाद याद करें
सो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। अगर आपने एनसीईआरटी सिर्फ याद की है तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है, जैसे कि इस साल का पेपर आया था 2022 का, इसमें काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे जिनमें अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी याद की है आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ के याद करनी है, मतलब पूरी एनसीईआरटी समझनी है। लेकिन काफी लोग इसको गलत मतलब में ले जाते हैं कि एनसीईआरटी समझने के लिए हमें एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा, तो वैसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मैंने एनसीईआरटी जो समझने वगैरह का काम है मुझे खुद थोड़ा ही डिफिकल्ट लगा था, तो मेरे एक दोस्त मुझे रिकमेंड किया था ओजोन क्लासेस, विपिन शर्मा, तो उसकी मैं वन शॉट वीडियोस कॉम्पैक्ट कोर्स के दौरान देखता था। तो उसने एनसीईआरटी जो है अच्छी तरह लाइन बाय लाइन, एक मतलब वो टोटली एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट के बाहर कोई भी चीज नहीं बताई और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सारी एक्सप्लेन की है, तो वो करके मतलब मेरा मुझे बायोलॉजी में 350 आउट ऑफ 360 में स्कोर कर पाया। एक तो आपने आकाश इंस्टीट्यूट बताया कि आपका ऑफलाइन सोर्स था, इस सोर्स के अलावा आपने क्या ऑनलाइन सोर्सेज यूज किए और इस प्रिपरेशन में आपने कौन सा स्कूल प्रेफर किया? आप रेगुलरली स्कूल जाते थे या आप डमी स्कूल में थे और साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन घर से कर रहे थे? पहले डमी स्कूल में, मैं डमी स्कूल में एनरोल था, मैं कभी स्कूल नहीं गया 11th class में। और बात करें तो मैं घर वालों के साथ था, हाँ हम मैं घर से ही प्रिपेयर करा था, मैं हॉस्टल वगैरह नहीं गया। मेजर 99% जो है वो आकाश इंस्टीट्यूट राजबाग से ही पढ़ाई की है, और थोड़ी चीजें जैसे जो मतलब जैसे मैंने बोला हमारे फिजिक्स टीचर वो हमें कुछ चीजें थी जैसे सेमीकंडक्टर थ्योरी चैप्टर जो उन्होंने बोला कि हम बुक से पढ़े, तो वो मैंने थोड़ा यूट्यूब से तो उनमें थोड़ा हेल्प ली है। बाकी मेजर 99% चीजें जो है वो मैंने ऑफलाइन ही आकाश इंस्टीट्यूट राजबाग से ही पढ़ी है। और जैसे मैंने बोला बायोलॉजी में एंड के टाइम पे एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए मैंने विपिन शर्मा के वन शॉट लेक्चर देखे हैं बायोलॉजी में। आप थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए कि आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन में आप कितना रेगुलरली टेस्ट देते थे, उसमें आपके स्कोर्स क्या रहते थे और कैसे आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते थे? टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार जब आपने सब पढ़ लिया तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को जज करेंगे, तो वो तो सीधे टेस्ट सीरीज से हो सकता है, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ कि काफी लोग बोलते हैं अगर कुछ पढ़ा भी ना हो तो जाओ टेस्ट देने चले जाओ, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह चीजें पढ़ी नहीं है, मतलब प्रिपेयर नहीं किया सिलेबस ठीक से, तो मेरे हिसाब से टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप अपने माइंड में एक चीज रखिए, जब से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उससे पहले हम जो उसका सिलेबस है वो अच्छी तरह कंप्लीट कर ले, ताकि हमारे टेस्ट में जो है हमने सारा जितना हम पढ़ सकते थे उस सिलेबस के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन जज कर सकते हैं। जब आपने प्रिपेयर ही नहीं किया पहले तो उसके बाद जज करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी माइंडसेट के साथ आप चलिए कि हम पहले मतलब जब भी हमारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं तो उससे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज में अच्छी तरह रेगुलरली अपीयर करें। और मतलब अगर आप फिर रेगुलरली टेस्ट सीरीज देंगे ऑफकोर्स आपका स्कोर डे बाई डे इंक्रीज होगा, क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स होंगी आपकी, आप उनसे सीखेंगे, अगली बार वो रिपीट नहीं होंगी, तो स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव जरूरी होगा। अब एक स्टूडेंट ने अगर अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वो अपने टेस्ट की एनालिसिस कैसे करे, किस तरीके से कि अगली बार से वो वैसी मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करे, क्या एनालिसिस स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक एस्पिरेंट? पेपर एनालिसिस स्ट्रेटजी जो मेरी रही है, मैंने उसमें क्या किया है, जो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे सिली मिस्टेक्स खासकर, तो उनको मैं हाईलाइट करता था या तो फिर मैं उनको एक नोटबुक पे लिखता था, फिर वो नोटबुक में अगले एग्जाम से पहले एक बार देखता था, और ऐसी जब फिर मुझे वो सिली मिस्टेक्स सारी ग्रेजुअली रिड्यूस हो गई है। आप अपनी प्रिपरेशन में सोशल मीडिया पे एक्टिव थे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैं व्हाट्सएप और यूट्यूब, यही दो चीजें हैं जो मैं चलाता था। व्हाट्सएप एक मतलब मुझे नहीं लगा ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और वैसी चीज है, जब दोस्तों वगैरह से बात करना हो, कोई चीज डिस्कस करनी हो, सो दैट्स क्वाइट यूजफुल। बट यूट्यूब पे मैंने देखा जितना इसका अच्छा यूज है, जो मतलब अगर हमें पढ़ना है यूट्यूब पे, फॉर एग्जाम्पल एक घंटे का लेक्चर है, हम उसमें जो है काफी ब्रेक्स लेते हैं और काफी ज्यादा डिविएट हो जाते हैं अदर वीडियोस की तरफ जो रिकमेंडेशन वगैरह में आ जाती है, तो उससे टाइम बहुत जाया हो जाता है। तो यूट्यूब जो है वो उसका एक 50-50 रहता है कि मतलब वो बहुत हेल्पफुल भी है ऊपर से बहुत हार्मफुल भी है। तो उसमें मैंने एक काम किया था, जब यूट्यूब वगैरह पे कुछ चीज देखता था, जैसे मैंने बोला कभी कहीं पे जो टीचर ने नहीं पढ़ाई हो वैसी चीजें, क्योंकि एक वास्ट सिलेबस है इसमें ऑफकोर्स टीचर से कुछ चीजें स्किप हो जाती है, तो वैसी चीजें जब मुझे यूट्यूब से देखनी हो तो मैं जो मेरे अराउंड होते थे उनको मैं कहता था कि मुझ पर नजर रखो कि मैं कहीं कोई और वीडियो ना खोलूं, तो उस तरीके से मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया है। ये बात हो गई हम आपकी जनरल प्रिपरेशन की। अब ऑडियंस ने जो कुछ सवाल आपसे पूछे है वो हम लोग एक एक करके उनका आंसर देते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा है कि आपने कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बुक्स प्रेफर की थी अपनी पूरी प्रिपरेशन में? जैसा मैंने बोला एनसीईआरटी बेसिक है, पहले मैं मॉड्यूल्स पे ज्यादा फोकस करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला एनसीईआरटी जो है वो सबसे मेन स्टैंडर्ड है
जब तक आपने वो नहीं किया तो बाकी कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो एनसीईआरटी पे सबसे पहले फोकस करें, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों में एनसीईआरटी पे बेसिक फोकस। और ये मिस नॉर्मल है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी है तो आसान होगी, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है हाँ वो कुछ आसान है, थोड़े से डिफिकल्ट भी है, लेकिन ओवरऑल आसान ही क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर थ्योरी की बात की जाए तो थ्योरी उसमें काफी स्टैंडर्ड है, इवन वो जेई एडवांस तक की थ्योरीज भी उसमें मेंशन होती है और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है उसमें। एनसीईआरटी के बाद अगर आपको और बुक सॉल्व करनी है, जैसे मैंने फिजिक्स में बोला एचसी वर्मा बहुत ही अच्छी बुक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो सकते हैं अगर आप अच्छी तरह सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में मॉड्यूल फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपना मॉड्यूल देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए मैंने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं यूज किया है, लेकिन इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था अपनी प्रिपरेशन? मैं डेली शेड्यूल नहीं बनाता था, ये बहुत वेरिएबल रहता था। कभी कभार मैं पूरे दिन नहीं पढ़ता था, कभी मैं एग्जाम से पहले पूरे दिन ही पढ़ता था, मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम, मतलब ऑलमोस्ट फुल डे में पढ़ाई करता था, और कभी मैं नहीं करता, तो ये काफी वेरिएबल रहता था। एवरेज 11th 12th में मैंने 2 to 3 hours एवरेज पढ़ाई की होगी, लेकिन कंपैक्ट कोर्स में जैसे मैंने बोला मैंने स्टडी आवर्स भी इंक्रीज किए और उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी इंक्रीज किया, क्योंकि ये एंड का टाइम ही डिसाइड करता है आपके फाइनल जो स्कोर है वो कितना होने वाला है। अगर आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन का एवरेज बताना हो कि आप दिन में कितने आवर्स से स्टडी करते थे? पहली बात तो ये मैटर नहीं करता है कि मैंने कितना पढ़ा, ये हर एक के लिए एक वेरिएबल चीज रहती है, तो आप लोगों को अपने हिसाब से देखना चाहिए कि आप कब तक अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो तब तक आपको पढ़ना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मेरा 11th 12th में एवरेज 2 to 3 hours पर डे रहता था सेल्फ स्टडी का, लेकिन कॉम्पैक्ट में इंक्रीज हो गया 4 to 5 hours। अब क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, तो अगर आपको एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करना हो कि उनको ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए या ऑफलाइन? मेरे हिसाब से ऑफलाइन जो है वो वे बेटर है देन ऑनलाइन, क्योंकि उसमें आपके सामने टीचर होता है, आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं। ऐसे ऑनलाइन में मतलब आई वाजंट माइसेल्फ कंफर्टेबल विद दैट। एक एस्पिरेंट को बोर्ड और नीट एग्जाम एक साथ कैसे मैनेज करना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंस बोर्ड एग्जाम को देना चाहिए? बोर्ड एग्जाम को स्टार्टिंग में 0 इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नीट के लिए अच्छी तरह पढ़ा फिर बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ पेपर पे लिखना आना चाहिए, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मेरे भी बोर्ड एग्जाम में 11th 12th दोनों में 480 अबव स्कोर रहा है, और मैंने कभी भी ज्यादा फोकस नहीं किया बोर्ड एग्जाम पे, 0 फोकस ऑलमोस्ट। मैंने सारा फोकस नीट पे दिया है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर रखे थे, और बोर्ड एग्जाम में जो आता था वही सारा इंग्लिश में लिखना था पेपर पे, दैट वाज ऑल, उसमें ज्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं। तो इसलिए बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस मत करो, आप अपने नीट पे फोकस करो, वो हो जाएगा तो बोर्ड्स इज नथिंग कंपेयर टू दैट। जिन स्टूडेंट्स के पहले से कम नंबर आ रहे हैं अपनी ट्यूशन या फिर अपनी किसी ऑनलाइन सोर्स के मॉक टेस्ट में, तो वो उन टेस्ट स्कोर्स को धीरे धीरे कैसे इंप्रूव करें अगर उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो? स्कोर्स को इंप्रूव करना तो इसका एक ही चीज है, हार्ड वर्क, कि डीमोटिवेट ना हो, हार्ड वर्क ज्यादा ज्यादा करो, आहिस्ता आहिस्ता स्कोर हर एक का इंप्रूव होता है। मैं अपनी बात करूँ, मेरे स्कोर पहले से ठीक आ रहे थे, लेकिन मैंने अपने क्लास में बहुत सारे को देखा है कि जिनके स्कोर कम आ रहे थे फिर वो एट पार टॉप 5 में आ रहे थे, इवन कभी कभी मुझसे भी ज्यादा मार्क्स आ रहे थे उनके। तो हार्ड वर्क इज द की, आहिस्ता आहिस्ता आप हार्ड वर्क करेंगे आपको दिखेगा 11th के बाद या 12th के बाद नीट में कि आपके मार्क्स काफी इंप्रूव हो गया एज कम्पेयर टू बिफोर। अगर किसी एस्पिरेंट को 9th और 10th क्लास से ही अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए उसके लिए पहले प्रिपेयर करने के लिए? 10th से आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि आप अगर आपका 10th का बोर्ड एग्जाम है तो उसमें आपको बोर्ड की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, आपको अपनी एक मेंटली मेंटालिटी चेंज करनी है कि अब मुझे डिस्क्रिप्टिव से थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइप या न्यूमेरिकल टाइप चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है ना कि नीट के लिए। तो वो एक मेन चीज है जो ज्यादा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है बाय ग्रैबिंग कॉन्सेप्ट्स एंड यू नो सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स उन सब चीजों से। एक चीज जो आप 9th 10th में कर सकते हैं वो ये है कि जो 11th 12th की जो बायोलॉजी है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट टू डिफिकल्ट, आप उस टाइम पे वो समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आप बायोलॉजी के जितने ज्यादा रिविजन करें उतने ज्यादा आपके 360 out of 360 गारंटीड है। तो अगर आप 9th 10th से एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करें, सो दैट विल बी क्वाइट यूजफुल एट द एंड। अगर एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनना हो तो उसके लिए क्या एडवाइस जनरली आपकी रहेगी, क्या तरीका उसको फॉलो करना चाहिए? अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनना है तो उसको ऑफकोर्स हार्ड वर्क करना है, डेडिकेटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है। ये एक ही एक या दो टेस्ट के बाद नहीं होने वाला है,
पूरा 11th का साल या 12th का साल लग सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक टॉपर जरूर होगा। अगर आपको बोलना होगा कि बेस्ट टेस्ट सीरीज क्या रहेगी एस्पिरेंट्स के लिए फॉर नीट 2023, टेस्ट सीरीज की बात की जाए, मैंने खुद सिर्फ आकाश से ही टेस्ट की ज्वाइन की है, तो नीट 2023 के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम मुझे लगा जो आकाश राजबाग में मैंने दिया है वो काफी अच्छा था। उसमें लास्ट के 30 to 40 days हमने कंटिन्यूस टेस्ट दिए, जिसकी वजह से एक एटमोसफियर डेवलप हो गया, हमारी बॉडी एक तरह से अडेप्ट हो गई नीट एग्जाम के लिए। सो मुझे वो टेस्ट सीरीज काफी पसंद आई थी। अगर किसी एस्पिरेंट की कैलकुलेशंस बहुत स्लो होगी तो कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट किया जाए, क्या तरीका है? तेज करने का एक तरीका है कि एग्जाम्स वगैरह में कैलकुलेटर यूज मत करो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तब भी कैलकुलेटर यूज मत कीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर को अगर आप यूज करना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आपकी कैलकुलेशंस तेज हो गई होंगी। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म आजकल काफी ज्यादा यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, आपने उसमें से कोई बैच लिया था या उसे यूज किया था कभी? नहीं, मैंने फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म कभी यूज नहीं किया। ठीक है अरीब, मुझे लगता है हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं मोर ऑर लेस जो एस्पिरेंट्स ने पूछे थे। अब हम जो क्वेश्चंस किसी भी एक जगह पर फिट नहीं होते वो मैं आपसे पूछूंगा। वन पीस ऑफ एडवाइस टू एस्पिरेंट्स। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपने क्लियर किए तो आपको लगेगा कि हार्ड वर्क और प्रैक्टिस जो है वो कम देनी पड़ती, तो एफर्ट आपके कम हो जाएगी अगर आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस करें। वन सिंगल पर्सन हु सपोर्टेड यू द मोस्ट। रोहिन सर। योर साइड हॉबीज ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। मेरी कुछ ज्यादा हॉबीज वगैरह नहीं है, बट ट्रैवलिंग है, मुझे जगह घूमना पसंद। मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ योर नीट प्रिपरेशन। ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक मुझे कोई नहीं लगा, लेकिन जो टॉपिक मैंने एंड तक नहीं पढ़ा था वो काफी डिफिकल्ट लगे, जैसे कि मैंने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सारे टॉपिक मैंने थोड़े ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स एंड के लिए रखे थे, तो एंड पे इनको लास्ट में पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, बाकी सारे टॉपिक्स आसानी होते हैं। नंबर ऑफ रिविजन्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड द जनरल रिविजन स्ट्रेटजी। नंबर ऑफ रिविजन्स मैंने सबसे ज्यादा बायोलॉजी में किए थे 10 to 20 के बीच में, और नंबर ऑफ रिविजन्स फॉर केमिस्ट्री मैंने 5 to 7 किए होंगे, और फिजिक्स में मैंने सबसे कम रिवीजन किया, फिजिक्स में मैंने हार्डली एक रिवीजन किया होगा। जैसा कि मैंने बोला, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर ज्यादा रिवीजन और ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, एक बार पढ़ लिया फिर हमेशा याद रह जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रैंकर्स बैच एट योर कोचिंग फॉर योर प्रिपरेशन। रैंकर्स बैच में टीचर्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो इंपॉर्टेंस ये थी कि रैंकर्स बैच को स्टडी मटेरियल ये खास देते थे, और उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है हमारी अलग रहती थी, जैसे मैंने बोला इंटेंसिव प्रोग्राम ये सिर्फ रैंकर्स बैच के लिए था, तो वो मुझे काफी पसंद आया। तो फैसिलिटीज के लिए तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो रैंकर्स बैच काफी अच्छा है, लेकिन टीचर्स वगैरह मुझे वहां पसंद नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए जाए तो आप सबसे पहले देखना चाहेंगे कि पहले इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। You want to judge the exam by, you know, looking at the previous year questions. So previous year questions are quite important, जिससे आपको एक मतलब एक तरह से पता चलेगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे आपको काफी हेल्प होगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ JEE questions for NEET। इंपॉर्टेंस ऑफ JEE मेन क्वेश्चन तो नीट टाइप के होते हैं, लेकिन अगर आप JEE एडवांस क्वेश्चन ट्राई करेंगे खासकर फिजिक्स में तो वो काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला JEE एडवांस लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो काफी कंसेप्चुअल होते हैं, तो अगर आप वो प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने फिजिक्स के बहुत कम रिवीजन किए हैं, हार्डली एक रिवीजन किया होगा, बहुत चैप्टर्स में मैंने एक ही बार पढ़ा है, जैसे NLM वो मैंने एक बार 11th पढ़ा है, उसके बाद फिर कभी पढ़ा भी नहीं है। तो अगर आपने वैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, JEE एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही का फायदा होगा। अगर आपको नीट 22 पेपर का एक जनरल रिव्यू देना हो तो क्या देंगे आप? 22 पेपर में फिजिक्स वेरी इजी था, केमिस्ट्री मीडियम था, बायोलॉजी अच्छा आया था एज कम्पेयर टू लास्ट प्रीवियस ईयर, बायोलॉजी काफी अच्छा था। ओवरऑल अगर देखा जाए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वजह से ये पिछले 1-2 सालों से ओवरऑल टफ था। ठीक है अरीब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन। क्यों नहीं आया था।